नमस्कार, कुकिंग फैटिक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आम से बना हुआ झटपट बनने वाला बहुत ही एक स्वादिष्ट मिठाई की रेसिपी। इतना टेस्टी है और बिल्कुल बाजा जैसा टेस्ट है, आप खुद जब बनाओगे तभी आपको पता चलेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिक्सी जार लेंगे, उसमें डाल देंगे। मैंने एक आम लिया है, उसका पल्प निकाल लिया, वजन के हिसाब से 300 ग्राम है। और डाल देंगे पनीर, 100 ग्राम पनीर लिया है और इसे कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 50 ग्राम चीनी और इसमें डाल देंगे 1/4 कप दूध। अब इसे अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेंगे हम। बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेना। देखिए पेस्ट हमारा रेडी है, इसमें साइड में रख के। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हम चलते हैं। अब गैस के ऊपर एक कढ़ाई चढ़ा देंगे, उसमें डाल देंगे 1 कप पानी। आँच को आप इस टाइम लो पर रखना। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप मिल्क पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आँच को लो फ्लेम पर रख के या इसे अच्छे से मिक्स कर लेना, नहीं तो पानी गर्म हो जाएंगे तो मिल्क पाउडर मिलाने में हमें टाइम लगेंगे। बस अच्छे से मिक्स करने के बाद आँच को आप मीडियम पर रखना। मीडियम पर रख के इसको उबल आने देना। देखिए ये उबल आ चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे जो जो आम को हमने पीस के रखा था वो हम डाल देंगे और इसे अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से ये मिक्स्ड हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर देंगे, येलो कलर। आप इसे स्किप भी कर सकते हो, मेरे पास है तो इसे थोड़ा सा कलरफुल दिखने के लिए और भी डार्क कलर दिखने के लिए हम इसमें डाला है। आपके पास अगर ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप दही। दही देने के बाद अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। दही इसलिए दे रहे, थोड़ा जो मिठाई बनेंगे थोड़ा दानेदार बनेंगे, इसलिए हमने इसमें दही दिया है। जो घर में नॉर्मल खट्टा दही है वो हमने डाला है और अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए इसका पानी बहुत ज़्यादा सूख चुका है और गाढ़ा हो गया है। इसका पानी और भी हमें सुखाना पड़ेगा। तो चलिए इसमें और भी थोड़ा हम इसे पानी सुखा लेते हैं। देखिए और भी ये सूख चुका है। टोटल हमने इसमें 10 से 12 मिनट हमने लगा है। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून घी। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। घी देने से इसे थोड़ा सा चिकना हो जाता है तो खाने में भी और भी अच्छा लगता है टेस्ट। तो चलिए अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से ये सूख भी चुका है, रेडी है बिल्कुल हमारा मिठाई बनाने के लिए। तो चलिए आंच को कर देते हैं बंद और इसे एक कोई भी थाले में, बड़ा थाले में ऐसे निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। इस तरीके से फैला देंगे ताकि इसे अच्छे से ठंडा हो जाए और हम मिठाई बनाने में हमें आसान हो। तो चलिए इसे ठंडा होने देते हैं 10 मिनट के लिए, 10-12 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद हम इसे मिठाई बनाएंगे। तो चलिए इसे अच्छे से हमने फैला दिया है। अब 10 मिनट बाद हम इसे छोटा छोटा बॉल, ऐसे मीडियम साइज का बॉल बनाएंगे और मिठाई बना लेंगे। आप चाहे तो लंबा आकार में सिलेंडर से में भी दे सकते हो। चलिए ये हमारा मिठाई इस तरीके से छोटा छोटा मीडियम साइज का बॉल बना के बना लेंगे सारे
मिठाई। अब चलिए इसे हम मिल्क पाउडर में लपेट लेते हैं। मिल्क पाउडर में इसलिए इसके लपटेंगे क्योंकि दिखने में भी अच्छा होगा और खाने में भी टेस्ट होगा। से थोड़ा सा हम पिसे इस तरीके से घिस देंगे ताकि देखने में भी बहुत अच्छा लगे। उम्मीद है रेसिपी आप लोगों को जरूर पसंद आए होंगे। पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए एक मिठाई हम लोग आप लोगों को काट के दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट बना है और खाने में कैसा टेस्ट है, ये तो आपको बनाने के बाद ही आपको पता चलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना।